हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू चूज स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के स्ट्रेटेजीज तो देख लिए, लेकिन वो स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के लिए स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। तो बस यही वीडियो में हम वही देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर हमें स्टॉक का सिलेक्शन करना है ट्रेडिंग करने के लिए, तो हम किस तरह से करेंगे। दोस्तों, जैसे जिस तरह की स्ट्रेटेजीज रहती है उस तरह का स्टॉक सिलेक्शन रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं जो स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया बोल रहा हूँ वो हर एक स्ट्रेटेजी पे अप्लाई होगा, राइट। ये स्ट्रेटेजी छोड़ के दूसरे भी स्ट्रेटेजी पे मे भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी इंट्राडे की हर तरह की स्ट्रेटेजीज है उस पर ये अप्लाई होगा ही होगा, तो इस तरह से नहीं होता। इसलिए मैं यहाँ पे एक मैपिंग कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो भी स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया देखेंगे वो स्टॉक का सिलेक्शन का क्राइटेरिया हमने जो भी फर्स्ट 15 मिनट की ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी देखी थी उस पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो उससे हमें हाई एक्यूरेसी मिल जाएगी और अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको स्टॉक का सिलेक्शन का क्राइटेरिया समझा देता हूँ और उसके बाद स्टॉक सिलेक्ट करते हैं हम। स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद उसे हमें फर्स्ट 15 मिनट ब्रेकआउट पे किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, ये हम यहाँ पे समझ लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो हमारी जो टेक्निक है या हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो शुरुआत करने से पहले मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे स्टॉक का सिलेक्शन हम जो भी कर रहे हैं वो हम डेली कैंडलस्टिक चार्ट के बेसिस पे कर रहे हैं। यानी यहाँ पे आपको कम से कम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कैंडलस्टिक के जो पैटर्न्स रहते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक या ट्रिपल कैंडलस्टिक के जो भी पैटर्न बनते रहते हैं, रिवर्सल पैटर्न जो बनते रहते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो चार्ट पैटर्न्स रहते हैं दोस्तों हमारे, जैसे कि फ्लैग पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, ट्रायंगुलर, तो ये पैटर्न्स के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। और उसके साथ जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता है, जो कि टेक्निकल एनालिसिस का जो हम बोल सकते हैं कि बैकबोन रहता है, कि उसके हिसाब से ही मार्केट ड्राइव होते रहता है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट जो बात है कि जो ब्रेकआउट रहता है तो वो ब्रेकआउट भी आपको किस तरह से, अगर कैंडल बन जाती है कहाँ पे बन जाती है और उसे हम ब्रेकआउट कब कहेंगे, तो ये भी आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आप अगर आपको ये सारी चीज़ों का नॉलेज है तो आप अच्छी तरह से स्टॉक सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद उसे अगर ये स्ट्रेटेजी पे अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। दोस्तों, और एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी में हमें स्टॉक सिलेक्शन वन डे बिफोर करना है। अगर हमें कल ट्रेडिंग करनी है तो उसका स्टॉक सिलेक्शन हमें आज करना है, और आज जब हम स्टॉक सिलेक्शन करेंगे तो आज के दिन ही हम डिसाइड करेंगे कि ये स्टॉक में हम कल कल जाकर बाय करेंगे या सेल करेंगे। और अगर हमारे क्राइटेरिया में, जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके क्राइटेरिया के हिसाब से भी अगर वो, मान लो कि अगर आज हमने एक स्टॉक सिलेक्ट किया वो हमारे लिए बाय बनता है, और फिर हम कल जाकर उसे फर्स्ट 15 मिनट की जो हमारी स्ट्रेटेजी थी उस पर अप्लाई करेंगे और वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी वो बाय बनता है, तो ही हम उसमें बाय करेंगे। अगर मान लो कि हम स्टॉक सिलेक्शन तो कर दिया वन डे बिफोर, उसमें हमें बाय दिख रहा है, लेकिन फर्स्ट 15 मिनट स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर हमें सेल दिख रहा है वहां पे, तो हम वहां पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। यानी वन डे बिफोर जो हमें सिग्नल दे रहा था वही सिग्नल हमें हमारे फर्स्ट 15 मिनट ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी में देना चाहिए, तभी हम उसमें ट्रेडिंग करेंगे, नहीं तो हम वो स्टॉक अवॉइड करेंगे, राइट दोस्तों। तो चलिए, मैं डायरेक्टली आपको चार्ट पे लेकर चलता हूँ और यहाँ पे वो स्ट्रेटेजी समझ लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये अभी मार्केट चालू है इसलिए यहाँ पे प्राइसेस चेंज हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए मैं मैक्सिमम निफ्टी 50 के जो भी स्टॉक है वहाँ पे ही इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। आप एफ एंड ओ की भी स्टॉक चूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अभी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक सॉर्ट आउट करके रखे हैं, क्योंकि निफ्टी 50 के 50 स्टॉक हम उतना टाइम देख कर नहीं देख सकते, तो मैंने कुछ स्टॉक सॉर्ट आउट किए हैं। तो यही स्टॉक में से हम जितने भी स्टॉक रहेंगे तो उसे समझ लेने की कोशिश करेंगे कि ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया यूज करके हम स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। दोस्तों, पहली बात यहाँ कहना चाहूंगा कि निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये 3, 3, 6, 9, 12, 13, यहाँ पे मैंने 13 ही स्टॉक सिलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों, ये 13 ही क्यों किए मैंने, तो उसका उसके पीछे का एक रीजन है कि ये जो स्टॉक है मैक्सिमम टाइम पे ट्रेंडिंग स्टॉक है। अगर ये हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से ब्रेकआउट दे देते हैं
फर्स्ट 15 मिनट का, तो ज्यादा से ज्यादा ये एक ही दिशा में मूव होते रहते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होना होने का चांसेस कम रहता है। और अगर हम दिन भर भी इसका होल्ड करके रखेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। कुछ स्टॉक निफ्टी में भी ऐसे है कि वो बहुत ज्यादा वोलाटाइल रहते हैं, यानी वो ऊपर भी उतना ही जाते हैं और फिर नीचे भी उतना ही आते हैं, तो उस तरह के अगर स्टॉक हम ले लेंगे तो वहां पे टारगेट से ज्यादा हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये जो स्टॉक मैंने सिलेक्ट किए हैं तो मैक्सिमम मुझे ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि वो एक ही दिशा में ज्यादा से ज्यादा अगर ब्रेकआउट देते हैं तो ट्रेड होते रहते हैं, वो रिवर्सल कम से कम टाइम पे देते हैं, और अगर रिवर्सल भी होता है तो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से वो मैक्सिमम टाइम पे स्टॉप लॉस को हिट नहीं करते, उसके हिसाब से मैंने ये स्टॉक सिलेक्शन किया है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैंने ये स्टॉक सिलेक्शन किया है तो आप भी यही स्टॉक यूज करेंगे, तो ऐसा नहीं है, ये अपनी अपनी अलग स्टाइल रहती है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। ये मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लगा ये, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये स्टॉक में करना चाहिए, राइट, तो आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने बेसिक क्या किया है, अभी ये मैंने वन डे बिफोर किया था, ये आज का दिन है, आज 15th ऑफ अक्टूबर 2018 है, मेरे पास एक कल का चार्ट था, मैं वन डे से बिफोर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ये पहला चार्ट है डॉक्टर रेड्डी का, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, देखिए मैंने जैसे कि बोला कि आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक चार्ट, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट, तो ये जो चीजें रहती है, फिर ब्रेकआउट ट्रेंड रिवर्सल जो भी मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इसे ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, तो इसका आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यही चीजें यूज करके हम इंटरडे में ट्रेडिंग करने वाले हैं, राइट। हम वन डे बिफोर स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी हमें इन चीजों का तो नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने डॉक्टर रेड्डी का डेली चार्ट ओपन किया, डेली चार्ट ओपन करने के बाद मुझे ये पता लग गया कि ये कंटिन्यूअसली हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा था, राइट। यहाँ से आप देखेंगे तो इसने हायर टॉप बना लिया, फिर हायर बॉटम, फिर हायर टॉप, हायर बॉटम, यानी एक फ्लैग जैसा एक पैटर्न ये बनाते बनाते ऊपर आ रहा था। दोस्तों नॉर्मल कैसे रहता है, कोई भी स्टॉक में कंटिन्यूअसली वो स्टॉक अप ट्रेंड में काम करता है, अप ट्रेंड में काम करता है तो वो हायर टॉप हायर बॉटम बनाता है, लेकिन एक जगह ऐसी आ जाती है कि वहां पे वो स्टॉक रुक जाता है, वो वहां से हायर टॉप हायर बॉटम बनाना बंद करता है और वो साइडवेज जोन में जाता है। तो कभी भी कोई भी स्टॉक अगर हमें मिलता है कि वो कंटिन्यूअसली उसके अप ट्रेंड में है, यानी हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, और एक पर्टिकुलर एंड पे वो हायर टॉप हायर बॉटम बनाना बंद करता है और वो साइडवे में चला जाता है, तो वहां पे हमें अलर्ट रहना चाहिए कि वहां से एक तो ऊपर की साइड में ब्रेक देगा तो उसमें और भी ज्यादा मूवमेंट आएगी ऊपर की साइड पे, और वो अगर नीचे की साइड में ब्रेक डाउन दे देगा तो और भी ज्यादा डाउनवर्ड साइड में मूवमेंट आ सकती है। तो ये जनरल टेक्निकल एनालिसिस का रूल रहता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टॉक कंटिन्यूअसली हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा था, और यहाँ पे आने के बाद स्टॉक ने साइड वे में ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे हम अलर्ट हो गए, राइट। अलर्ट होने के बाद हमें पता लग गया यहाँ पे इसने फाइनली ब्रेक डाउन दे दिया, और यहाँ से ये स्टॉक कंटिन्यूअसली उसके डाउन ट्रेंड में काम करना शुरू कर दिया, राइट दोस्तों। तो डाउन ट्रेंड में ट्रेड करना शुरू कर दिया, यानी ये डेली चार्ट है इसलिए या पूरा ये नीचे आएगा ऐसा भी नहीं रहता, डेली चार्ट है तो उसकी मूवमेंट भी शॉर्ट टर्म के लिए रहती है, राइट दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे चैनल बना दिया तो चैनल का जो टारगेट रहेगा उतना ही वो नीचे आएगा, वहां से रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ पे ये देखा हमने, ये देखने के बाद फिर से हमें यहाँ पे पता लग गया कि ये यहाँ तक आने के बाद इसने एक लोअर बना एक लो बना दिया, राइट। ये लो बनाने के बाद अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो इसका जो लो था यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिल रहा था, राइट। यहाँ पे इसने एक हाई बना दिया तो यहाँ पे ये नीचे से जाकर ये सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस था, फिर ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, और फिर यहाँ से फिर ये उसके आसपास आकर फिर घूमने लगा, और एग्जैक्टली वहां पे ही आके डॉक्टर रेड्डी ने सपोर्ट ले लिया, और वहां से फिर ये बड़ी वाली कैंडल ने हमें इंडिकेशन दे दिया कि अब ये स्टॉक में ऊपर वाली मूवमेंट आ सकती है। तो उसके बाद ये दो कैंडल बन गए, राइट। ये दो कैंडल भी बनने के बाद हमें ये कैंडल पे एनालिसिस करना था, तो ये जो कैंडल है ये कैंडल हमें इनडिसीजन बता रहा था, यानी यहाँ पे हमें क्लियरली पता नहीं लग रहा था कि यहाँ से बाय करना है या सेल करना है, क्योंकि ये छोटी सी कैंडल बन जाती है जहाँ पे ओपन और हमारा क्लोज भी था, ये दोनों भी हमारी एक ही जगह पे थे, राइट। तो ओपन और लो सॉरी ओपन और क्लोज अगर हमारे एक ही जगह पे रहेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ से ऊपर में मूवमेंट आएगी या डाउनवर्ड साइड में मूवमेंट आएगी, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों अगर सपोर्ट पे हैमर बनेगा, सपोर्ट पे अगर आपको हैमर पता होगा तो आप देख लीजिए दोस्तों, अगर नहीं पता तो आप गूगल भी कर सकते हैं, नेट पे देख लीजिए, या हमारे चैनल पे भी मैंने बताया हैमर क्या रहता है। अगर हैमर सपोर्ट पे बन जाता है तो इसका ओपन लो इक्वली रहता है, लेकिन उसके जो शेडोज रहते हैं वो पता कर देते हैं कि हमें ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, लेकिन यहाँ पे ओपन जितना हाई गया है उतना ही लगभग यहाँ पे लो भी गया था, और ओपन और क्लोज के क्लोज एक दूसरे के आसपास ही हो चुका है, तो ये इंडिसीजन बता रहा था। तो इसको मैंने क्या किया कि इसको हमने पेंडिंग में रख दिया, हमने यहाँ पे बाय या सेल क्या भी क्या करना है ये हमने छोड़ दिया कल के दिन पे, यानी नेक्स्ट दिन पे हम 15 मिनट की हमारी जो स्ट्रेटेजी थी उसके हिसाब से हम यहाँ पे चार्ट ओपन करेंगे, उसने हमें बाय सिग्नल दे दिया तो हम बाय करेंगे, उसने हमें सेल सिग्नल दे दिया तो हम सेल करेंगे, क्योंकि पहले दिन पे हमें
ये बता नहीं रहा है कि यहाँ पे बाय करना है सेल करना है, लेकिन ये स्टॉक का सिलेक्शन हमने क्यों किया, क्योंकि अगर ये ट्रेंड में जाता है तो ट्रेंड में ही मूव करते रहते हैं और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देता है, इसलिए मैंने ये स्टॉक को सिलेक्ट कर दिया था कल के दिन पे। अभी हमें क्या करना है, ये स्टॉक को सिलेक्ट करने के बाद आज के दिन की ट्रेडिंग करने के लिए हमें 15 मिनट की कैंडलस्टिक ओपन करनी है, राइट। तो हमने यहाँ पे 15 मिनट की कैंडलस्टिक ओपन की, ये 15 अक्टूबर है दोस्तों 2018, आज का दिन है, तो अभी ये ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है दोस्तों। तो एक स्टडी पर्पज के लिए आप समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पे मैं लाइव ट्रेडिंग करके बता नहीं रहा हूँ आपको, मैं खाली आपको नॉलेज पर्पज के लिए ये बता रहा हूँ, राइट। तो दोस्तों थोड़ा जो स्टॉक यहाँ पे हमने देखा है, तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो ऑलरेडी टारगेट हिट कर रहा है वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नीचे बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक है कि जो हमने सिलेक्ट किए थे बाय के लिए और यहाँ पे गए सेल में, तो उसे भी लॉस से भी कैसे बचा जा सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपको ये स्ट्रेटेजी बहुत ही अच्छी तरह से बाद में समझ में आएगी। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ये फर्स्ट 15 मिनट इसकी खत्म होने का इंतजार करना है, फर्स्ट 15 जो हमारी स्ट्रेटेजी, तो दोस्तों मैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देता हूँ, जो हमारी फर्स्ट 15 मिनट की ब्रेकआउट की जो इंटरडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी थी उसके बारे में आपको पता लग जाएगा, वो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए तो आपको वो स्ट्रेटेजी के बारे में पता लग जाएगा। यहाँ पे भी मैं ओवरलुक दे दूंगा उस स्ट्रेटेजी का, डिटेल में देखना है तो वो वीडियो देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो वो वीडियो देखने के बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है और फिर उसके उसके ऊपर ट्रेडिंग कैसे करनी है, राइट दोस्तों। तो जो फर्स्ट 15 मिनट का क्राइटेरिया था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे हाई और लो मार्क कर दिया, राइट। अब यहाँ पे हाई और लो मार्क करने के बाद हमें ट्रेडिंग किस तरह से करनी है कि हमें जिस साइड में ब्रेकआउट मिलता है उस साइड में हमें पोजीशन बनानी है। तो यहाँ पे हमने जो पहला दिन था वन डे बिफोर जो भी हमने एनालिसिस किया था उसमें हमें यहाँ पे बाय और सेल का पता नहीं लग गया था, राइट। तो हम वो सिग्नल यहाँ पे ले लेंगे कि अगर वो ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा फर्स्ट 15 मिनट को तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, नीचे की साइड पे ब्रेक करेगा तो हम इसे सेल करेंगे। तो आज के दिन में इसने ऊपर के साइड में ब्रेक दे दिया, ऊपर के साइड में ब्रेक देने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट देखकर हमने यहाँ पे पोजिशन बाय कर दी, राइट। बाय करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कैसा रहता है ये रूल के हिसाब से, अभी स्टॉप लॉस कभी भी आपके ऊपर रहता है दोस्तों, आप ये कैंडल का लो भी लगा सकते हैं, ये पूरी रेंज का मिडल भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसका लो भी लगा सकते हैं, तो जितना आप रिस्क बेयर कर सकते हैं उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड मेथड जो रहती है, अगर स्टॉप लॉस आप इसके नीचे ये जो कैंडल है फर्स्ट 15 मिनट की इसके लो पे अगर रखेंगे आप तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, अगर आप इसका लो रखेंगे तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मिडल में रखेंगे तो भी स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर इसका लो अगर आप रखेंगे एज अ स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं दोस्तों, राइट। लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको लॉस बहुत ज्यादा होगा, ये दूसरा एक इसका निगेटिव पॉइंट है, राइट दोस्तों। तो वही कंसिडर करते हुए हम यहाँ पे देखेंगे कि हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद बाय करेंगे, बाय का हो गया स्टॉप लॉस, हम इस कैंडल का लो रखेंगे, अगर लॉस होगा तो बहुत सारा होगा और प्रॉफिट होगा तो भी बहुत सारा होगा, राइट। तो लॉस इतना नीचे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, स्टॉक यहाँ से भी आता है यहाँ तक आता है और यहाँ से घूम जाता है और टारगेट हिट करता है। तो ये स्ट्रेटेजी में हमें क्या करना है दोस्तों, कि ये स्ट्रेटेजी के लिए थोड़ा मैं कुछ चेंजेस करके बताऊंगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि 15 मिनट का ब्रेकआउट ऊपर के साइड में होने के बाद रिट्रेसमेंट में हमें पहले बाय ऑर्डर लगानी है, बाय ऑर्डर हमारे एग्जीक्यूट होने के बाद हमें स्टॉप लॉस ऑर्डर पहले से ही लगा के रखनी है। स्टॉप लॉस ऑर्डर यानी क्या, कि अगर स्टॉक हमारा नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर हमें लगानी है यहाँ पे, अगर स्टॉक नीचे जाएगा यहाँ तक आएगा तो ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस हमारे हिट होगा और वहां से अगर नीचे स्टॉक जाएगा तो हम वो जो डाउन साइड आने वाली है उससे बच जाएंगे, राइट। टारगेट हम यहाँ पे लगाएंगे ही नहीं, राइट। टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मार्केट हमारा 3:30 बजे क्लोज होता है तो हम यहाँ पे 3 to 3:15 PM तक हम यहाँ पे इंतजार करेंगे और 3:15 पे जो भी हमें रेट मिल रहा है उस रेट पे हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर 3:15 को हम देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो हमारा स्टॉप लॉस हो चुका है, हम लॉस बुक करेंगे, राइट। अगर 3:15 तक हमारा स्टॉक यहाँ पे आता है यानी कि स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया है और टारगेट भी ज्यादा नहीं मिल रहा है, हमें स्टॉप थोड़ा सा लॉस भी हो रहा है, तो हम यहाँ पे जो भी मार्केट रेट है वहां पे हम क्लोजिंग कर देंगे ये पोजिशन को। अगर मान लो कि यहाँ पे है यानी हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है और हमें थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट में हमें 3 या 3:15 बजे तक हमें इसे भी क्लियर कर देंगे, और अगर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है तो वो भी अच्छा खासा प्रॉफिट हम बुक करके 3 या 3:15 बजे तक बाहर आएंगे। तो हम बाय पोजीशन लगाएंगे, बाय पोजीशन लगाने के बाद फिर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट के लिए हम वेट करेंगे 3 बजे तक, जो भी मिल रहा है वहां पे हम बाहर आएंगे। अगर दोस्तों आप दिन भर स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं और इन बिटवीन अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट है मिल रहा है ऐसा लग रहा है तो आप यही पोजीशन पे ये स्टॉप लॉस की यहाँ पे भी आप जो भी पोजीशन है आपकी क्लियर कर दीजिए और ये स्टॉप लॉस भी आप क्लियर कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं आप। अगर आपको आप दिन भर
चार्ट के सामने बैठ सकते हैं, और चार्ट के सामने बैठकर अगर आपको पता लग जाता है कि यहाँ पे स्टॉक अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी थोड़ा नीचे भी आ जाते हैं तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिस करते हैं। लेकिन अगर आप चार्ट के सामने बैठ नहीं सकते तो आपको खाली ब्रेकआउट ढूंढना है, ब्रेकआउट ढूंढने के बाद आप बाय ऑर्डर लगा दीजिए, स्टॉप लॉस लगा दीजिए बस। टारगेट के लिए डायरेक्टली 3 PM पे ही या 3:15 बजे मार्केट को ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद वहां पे जो भी प्राइस है उस पर क्लियर कर दीजिए। ये भी आप कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यूसली चार्ट को नहीं देख सकते तो। चार्ट को देख सकते तो आप इन बिटवीन कभी भी प्रॉफिट मिल रहा है तो वहां से बाहर आ सकते हैं, राइट। ये डॉक्टर रेड्डी का हो गया दोस्तों, यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल गया। दूसरा एक्सिस बैंक का मैंने निकाला था दोस्तों, यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, पहले डेली चार्ट ओपन करता हूँ। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ से नीचे आ रहा था। नीचे आने के बाद ये दो बड़े कैंडल बन गए यहाँ पे, और दो बड़े कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन गया। यहाँ से स्टॉक ऊपर गया अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में अगर शूटिंग स्टार बनता है तो उसका इंडिकेशन रहता है कि यहाँ पे नेक्स्ट दिन में मे बी डाउनवर्ड मूवमेंट आ सकती है। तो हमने एक्सिस बैंक सेल के लिए रखा था दोस्तों, तो नेक्स्ट दिन में हम क्या करेंगे, 15 मिनट की कैंडल ओपन करेंगे, उसका हाई लो मार्क करेंगे, उसका ब्रेकडाउन मिलने के बाद हम यहाँ पे सेल लगाएंगे, राइट। स्टॉप लॉस रहेगा ये, और 3:15 बजे इसका हम पोजीशन क्लियर करेंगे, राइट दोस्तों। ये एक्सिस बैंक का हो गया दोस्तों। मैं अभी हमारा वीडियो बड़ा हो रहा है, डॉक्टर रेड्डी का मैंने क्लियरली आपको पूरा टाइम देके बता दिया है, तो जो भी नेक्स्ट जो स्टॉक है उसका मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगा। लेकिन जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो मैं जो भी बता रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। तो रिलायंस का हम ओपन करते हैं, रिलायंस का मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे मैं रिलायंस का डेली चार्ट ओपन करता हूँ। डेली चार्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये प्रीवियस डे है, ये वन डे में हाइड करके रखता हूँ। तो यहाँ पे देखने के बाद मुझे यहाँ पे पता लग गया कि कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा था, और यहाँ पे थोड़ा सिग्नल हमें मिल रहा है कि यहाँ पे रिलायंस में भी ऊपर जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिलायंस को बाय दिया था। नेक्स्ट दिन पे मैंने 15 मिनट का ब्रेकआउट का रेंज बना लिया, बाय की साइड पे गया, मैंने पोजीशन बना दी, स्टॉप लॉस लगा दिया। मार्केट एंड पे देखेंगे अभी इसका क्या होता है। इन बिटवीन आप चार्ट को देखेंगे तो इन बिटवीन भी आप इसको निकाल सकते हैं। फिर मैंने कोटक बैंक लगाया था दोस्तों, जो जितने भी ऊपर वाले स्टॉक है वो अच्छे काम कर रहे हैं इसलिए मैंने ऊपर शॉर्ट आउट किया है, जो भी नीचे वाले स्टॉक है वो हमारे क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहे थे इसलिए मैंने इसे नीचे लिया है। तो पहले हम वो देखेंगे, कोटक बैंक का मैंने यहाँ पे लिया था। कोटक बैंक का भी जैसे आप देखेंगे तो यहाँ से नीचे आकर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के कुछ सिग्नल दे रहा था, कंटिन्यूअसली वो हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा था, राइट। ये ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा ऊपर जाएगा ऐसा लगा था, इसलिए मैंने कोटक का भी मैंने यहाँ पे बाय सिग्नल ही दिया था। अगर वन डे बिफोर का हम देखेंगे तो यहाँ पे ये आज का है, इसे मैं हाइड करता हूँ आज का, तो इस तरह का दिख रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा तो मैंने इसका भी बाय लगाया था। तो 15 मिनट का देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, राइट दोस्तों। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद पोजीशन बना ली, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया दोस्तों। अगर स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा देते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बिटवीन भी इन बिटवीन यहाँ पे इन मिडल पे भी लगा देते तो भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता, राइट। लेकिन यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और फिर स्टॉक ऊपर जाने लगा, फिर यहाँ से नीचे आ गया और अभी फिर ऊपर जा रहा है, राइट दोस्तों। तो आप अगर इन बिटवीन भी यहाँ पे निकाल देते तो भी चलेगा, नहीं तो आप 3:15 बजे देख लीजिएगा क्या भी जो भी प्राइस रहेगी वहां पे आप बाहर आ सकते हैं, राइट। ये कोटक बैंक का हो गया। फिर एल एन टी का हम यहाँ पे डेली चार्ट ओपन करते हैं। अभी देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा हमारा जो एनालिसिस किया था उसके हिसाब से स्टॉक ने मूवमेंट हो गया। हमें दोस्तों इंट्राडे में कैसा रहता है दोस्तों कि हमें प्रॉफिट बनाने से ज्यादा लॉस को नहीं होने देना, इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए दोस्तों। तो वही तब तभी हमारी स्ट्रेटेजी अच्छे से काम करेगी और हमारा पैसा बच जाएगा और तभी हमें प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। आप प्रॉफिट बनाने पे ध्यान देंगे तो आपको लॉस बहुत सारा होगा, और अगर आप लॉस कम करने पे ध्यान देंगे तो आपको प्रॉफिट बहुत सारा होगा। तो यही हमें करना है। यहाँ पे अगर हमने देखा तो इसके हिसाब से ये अगर आप देखेंगे तो ये आज वाला दिन है, ये मैं इसे हाइड करता हूँ। तो ये इस तरह का चार्ट हमें कल दिख रहा था तो यहाँ पे कैसे लगा कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा था और यहाँ पे थोड़ी ऊपर वाली मूवमेंट आ गई, फिर ये थोड़ा कैंडल आ गया और फिर ये थोड़ी ऊपर वाली मूवमेंट आ गई, तो थोड़ा लग रहा था कि यहाँ से मे भी थोड़ा ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी उसका नीचे गया तो ये ब्रेक डाउन देगा, वो रिवर्स फ्लैग हमने एक रिवर्स फ्लैग देखा था, इनवर्स फ्लैग या रिवर्स फ्लैग या बेरिश फ्लैग भी बोल सकते, तो उस तरह का यहाँ पे पैटर्न बना रहा था। लेकिन ब्रेक डाउन देगा तो वो बन जाएगा, लेकिन ब्रेक डाउन नहीं देगा तो ये थोड़ा ऊपर जाने के चांसेस हमें लग रहे थे, इसलिए हमने इसे बाय प्रेफरेंस किया था दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैं जैसे बोल रहा हूँ ये बाय का तो बाय होगा, क्योंकि हर एक ट्रेडर की अपनी अपनी स्टाइल रहती है, राइट। हर एक टेक्निकल एनालिस्ट की अपनी अपनी स्टाइल रहती है, राइट। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम जो भी बोल रहे वो 100% हो गए होगा, या हर एक लोगों की अपनी अपनी
ट्रेडिंग करने की स्टाइल रहती है, तो वो यहाँ पे बाय भी देंगे सेल भी देंगे, राइट, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगा था उस तरह से, मैंने यहाँ पे बाय करने का सोचा था, लेकिन 15 मिनट की कैंडल ओपन करने के बाद ये हमारे बाय के साइड पे गया ही नहीं, इसने हमारा हमारा सेल के साइड पे जा गया, ये इसने सेल के साइड पे डायरेक्शन दे दी, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। तो मान लो कि अगर इस तरह की कंडीशन होती है कि हम कल यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं वो बाय करने के लिए, और हमारी फर्स्ट 15 मेथड के हिसाब से अगर वो सेल साइड पे जाता है, तो ये स्टॉक को हम पूरे दिन के लिए अवॉइड करेंगे। मान लो कि फिर भी अगर ऊपर जाकर इसे ब्रेकआउट देगा और यहाँ पे ट्रेड करने का बोलेगा भी, लेकिन हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे, राइट दोस्तों। तो फिर हमने एशियन पेंट देखा। एशियन पेंट का हमने क्या किया था, डेली चार्ट के हिसाब से हमें यहाँ पे लगा कि ये था कल वाला चार्ट, तो यहाँ पे भी लगा कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमने बाय सिग्नल दिया था। बाय सिग्नल देने के बाद यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट ओपन किया। चार्ट ओपन करने के बाद इसने हमें अगर सेल के साइड में जाता तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करते, क्योंकि हमारा प्रीवियस डे का एनालिसिस बाय साइड पे बोल रहा था, राइट। तो सेल पे भी नहीं गया और ये बाय पे भी नहीं गया, ये इन बिटवीन ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी हम इग्नोर करेंगे। फिर एचयूएल का हम देखेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर पे भी अगर आप देखेंगे तो इसे भी डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या लग रहा था कि ये थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे बाय सिग्नल लगाया था, राइट दोस्तों। अगर 15 मिनट की कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सारी बड़ी कैंडल बन गई 15 मिनट, इसने निचले साइड पे ब्रेकआउट दे दिया। तो हमने यस्टरडे बताया था कि इसमें बाय करेंगे और इसने सेल साइड पे, हमारी 15 मिनट की जो स्ट्रेटेजी है उसने हमें सेल साइड का सिग्नल दे दिया, तो हम इसे अवॉइड करेंगे। कहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना कि कल हम जो एनालिसिस करते हैं वो बाय बोलता है और आज की स्ट्रेटेजी हमें सेल बोलते हैं, तो वो हम पूरा अवॉइड करेंगे। इन बिटवीन ट्रेड करता है तो वो हम अवॉइड करेंगे। हम ट्रेड कब करेंगे कि कल का एनालिसिस भी हम हमें बाय बोल रहा है और हमारी 15 मिनट की स्ट्रेटेजी भी बाय बोल रही है, तभी हम उसमें ट्रेडिंग करेंगे। और कल का एनालिसिस भी सेल बोल रहा है और आज का एनालिसिस भी सेल बोल रहा है, तो ही हम सेल करेंगे, एल्स हम अवॉइड करेंगे। अब ये इंडसइंड बैंक का चार्ट है दोस्तों, यहाँ पे भी अगर डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे लग रहा था कि यहाँ पे मे भी ऊपर जा सकता है, लेकिन ऊपर क्यों जाएगा, यहाँ पे नीचे आ रहा है, थोड़ा ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं, थोड़ी ये बड़ी कैंडल बन गई थी तो लग रहा था थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन 15 मिनट की कैंडल पे कन्वर्ट करेंगे तो ये निचले साइड पे ब्रेकडाउन दिया और नीचे गया, राइट। तो ऊपर हमने एनालिसिस किया था बाय का और ये सेल साइड पे चला गया, तो हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। दोस्तों देख लीजिए, सेल पे भी गया तो भी वो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन हम अवॉइड करेंगे, हमारी जो स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। फिर एचडीएफसी का भी वैसे ही हुआ। तो दोस्तों ये टीसीएस का एक बात बताऊँ, फिर रोक देता हूँ, लास्ट 3 महीने यहाँ पे नहीं बताऊंगा। तो एचडीएफसी का हम देखेंगे तो यहाँ पे भी मुझे बाय लग रहा था, 15 मिनट कैंडल देखे तो हम ये सेल साइड पे चला गया, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। आप बाद में देख सकते हैं, फिर बाय का भी हमारा क्राइटेरिया हिट हुआ था, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक आप नोटिस कर सकते हैं, हमने कल यहाँ पे बाय बोला था लेकिन ये सेल पे गया, आप यहाँ पे सेल करते तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता, राइट, तो बहुत सारा लॉस हो सकता था। तो इस तरह का ट्रेडिंग हमें करना ही नहीं है। ये टीसीएस देख लीजिए दोस्तों, टीसीएस का अगर हम देखेंगे तो डेली चार्ट पे हमें यहाँ पे दिख रहा था कि ये कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में है, और ये इसे मैं हाइड करता हूँ तो ये मुझे पूरा लग रहा था कि यहाँ से और भी वो नीचे जाएगा, क्योंकि थोड़ा मैं इसे जूम आउट करता हूँ, यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा था, राइट, ये सपोर्ट को मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इसे एज ए रेजिस्टेंस वर्क हो रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ये दो कैंडल ने इसे सपोर्ट कंसिडर कर दिया और ये सपोर्ट को ये कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया दोस्तों, राइट। तो ये पूरा इंडिकेशन दे रहा था कि यहाँ से स्टॉक ही नीचे जाएगा ही जाएगा, इसलिए मैंने इसे सेल पे दिया था। और 15 मिनट के कैंडल पे मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये सेल के साइड पे गया ही नहीं, राइट दोस्तों। यहाँ पे ये कैंडल मैं निकाल देता हूँ अभी, सॉरी ये लाइन निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा सेल का कैंडिडेट था, लेकिन ये पूरा दिन इन बिटवीन ही ट्रेड करने लगा, तो हम इसे अवॉइड कर देंगे, राइट दोस्तों। तो इस तरह से हमें ट्रेडिंग करनी है, उस तरह से यूपी यूपीएल एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस में हुआ था। यूपीएल ने भी हमें सिग्नल दे दिया, नहीं दे दिया, यूपीएल में हमें बाय करना था लेकिन ये सेल साइड पे चला गया, अवॉइड किया। एचडीएफसी में भी हमें बाय करना था दोस्तों, यहाँ पे ये इसका क्राइटेरिया के हिसाब से ये जा रहा है, लेकिन एचडीएफसी में हमें बाय करना था दोस्तों। या भी जिस टाइम में वीडियो बना रहा हूँ मैंने खाली इसको, ये जो पहला ये टाइम क्या है दोस्तों, 12 बजे तक कुछ तो मैंने ट्रैक किया था शायद, यहाँ पे 11-12 बजे तक मैंने ट्रैक किया था, तो इन बिटवीन ही ट्रेड कर रहा था। अभी रैंडमली डायनेमिकली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब मैंने देखा तो इसे ब्रेकआउट हो गया है, तो इसका भी हमने बाय किया था। एचडीएफसी का डेली चार्ट देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, तो ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, बाय ऊपर जा रहा था, तो हमने एचडीएफसी बैंक का भी यहाँ पे बाय का ही बताया था दोस्तों, क्योंकि ये ऊपर गया फिर नीचे आया और यहाँ से एक दो तीन कैंडल ग्रीन बन गए, तो इसने बाय का ही सिग्नल दिया था हमें, तो
तो बाय का सिग्नल देने के बाद मैंने खाली से 11.5-12 बजे तक या 11 बजे तक मैंने ट्रैक किया था, इन बिटवीन चल रहा था इसलिए मैंने छोड़ दिया था इसे। लेकिन अभी डायनेमिकली जब मैं आपको बता रहा हूँ तभी मैंने देखा कि इतने ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे भी अगर हम बाय करते तो भी आप देख सकते हैं फिर इसमें मूवमेंट आ गई है, यानी जब भी ये ब्रेकआउट दे देगा, यस्टरडे हमें बाय बोल रहा था, आज के दिन में भी इसने ब्रेकआउट दे दिया फर्स्ट 50 मिनट के कैंडल को, तो आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट के बाद कितनी अच्छी खासी मूवमेंट स्टॉक में आ रही है, राइट। तो यह हमारे हिसाब से जा रहा है। और एक लास्ट भी देख लेते हैं बजाज फाइनेंस का, तो यह हमारे लिए बाय था और ये इन बाय था। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे अभी यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है, मैं एक बार चेक करता हूँ। बजाज फाइनेंस हमारे लिए बाय था, राइट, बाय था। मैंने यहाँ तक ही ट्रैक किया था इसे, तो इन बिटवीन था इसलिए मैंने इसे नीचे डाल दिया था। तो बाइक का हमारा सिग्नल जनरेट हो गया, हम यहाँ पे बाइक की पोजीशन बनाते, तो ये देख लीजिए आप यहाँ तक आ गया लेकिन हमारा स्टॉप लॉस नहीं हुआ दोस्तों, और अभी यहाँ से ऊपर जा रहा है, देखते हैं मार्केट एंड होने तक ये कहाँ पे जाता है, राइट। 3:15 बजे तक अभी एक 5 मिनट बाकी है, अगर टाइम देखेंगे तो ये टाइम 3:10 है, तो हमारा एग्जिट होने का टाइम लगभग आ रहा है। तो जो भी पोजीशन मिलती है वहां से हम बाहर आएंगे, स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हो गया हमारा, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट है, थोड़ा सा लॉस में हम यहाँ पे बाहर आएंगे, राइट दोस्तों। तो इस तरह की हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, राइट दोस्तों। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि दोस्तों मैंने डॉक्टरेट दिखा तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया, लेकिन जो भी बाकी के स्टॉक है मैंने थोड़ा फास्टली आपको बता दिया, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि आपको टेक्निकल एनालिसिस, कैंडल स्टिक पैटर्न, रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट। तो ये जो चीजें रहते हैं आपको पहले से ही नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, तभी आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप वन डे बिफोर स्टॉक कैसा सिलेक्ट करेंगे, आपको कैसे पता लग जाएगा वन डे बिफोर कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, राइट। तो उसके लिए आपको ये मैं जो भी चीजें आपको बार बार बता रहा हूँ उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी अब ये जो मैंने फास्टली जो बताया है, अगर आपको ये नॉलेज पहले से रहेगा तो आप अच्छे से कैच करेंगे। मैं फास्टली भी बता रहा हूँ लेकिन आप अच्छे से कैच करेंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये नॉलेज नहीं रहेगा तो ये मैंने जो भी बताया आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों पहले आपको बेसिक जो नॉलेज रहता है वो आप अगर आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं है तो वो पहले आप नॉलेज ले लीजिए और फिर इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। आपको मैंने जितने भी बताए टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, जो भी बताया, अगर आपको पहले से नॉलेज होगा तो उसके हिसाब से आप वन डे बिफोर मैंने जैसे भी बताया उसके हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन करने की कोशिश कीजिए। अगर स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो दूसरे दिन पे हमारी ये मेथड पे अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। और जैसे कि मैंने बोला कि हमारे हमारे टारगेट स्टॉप लॉस और बाय कहाँ पे करना है, ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट के बाद हम बाय करेंगे, स्टॉप लॉस लगा के हम छोड़ देंगे, और जो भी 3:15 बजे जो भी हमें 3:15 बजे जो भी टाइम मिलता है वहां पे हम एग्जिट होंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों ये 2567 तक चला गया, हम यहाँ पे भी इसे पोजिशन बनाते हैं 2525, तो 2525 से 2565 तक, यानी 40 रुपीज के आसपास ये स्टॉक रिटर्न दे दिया, तो 2% का रिटर्न अराउंड हमें एक ही दिन में ये स्टॉक ने दे दिया दोस्तों। तो इस तरह से इसका मूवमेंट रहता है दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से हमें रिटर्न देता है। तो मुझे लगता है कि जितना भी मैंने बोलने की कोशिश की आपको पता लग गया होगा दोस्तों। फिर से मैं कहता हूं कि जो भी इसके प्री रिक्वायर्ड साइट्स है, जो जो भी आपको प्रिलिमिनरी इसका नॉलेज जो होना चाहिए वो प्लीज इसे वो नॉलेज रहेगा तो ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिए, और अगर आपको वो नॉलेज नहीं रहेगा तो आप स्टॉक सिलेक्शन अच्छे से नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि जितना भी मैं कहना चाहता था मैं आपको बोल चुका हूँ, थोड़ा वीडियो फास्ट हो रहा है ऐसा मुझे भी लग रहा है, आपको भी अगर लगता है तो अगर फ्री टाइम रहेगा तो मैं फिर इतने 10 स्टॉक 13 स्टॉक लेने के बजाय एक 4-5 स्टॉक ही लूंगा और फिर से आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। देखिए इसने अभी और एक हाई बना दिया 2571 का, तो बहुत ही अच्छा खासा लास्ट वाले कैंडल पे आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से इसकी ब्यूटी रहती है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी, स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया समझ में आया होगा, फिर स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद हमारी स्ट्रेटेजी पे इसे कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरा चैनल है लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो यहाँ पे आने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को क्लिक कीजिए। दोस्तों अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो मैंने यहाँ पे एक लर्न टू अर्न नाम का एक कोर्स डिजाइन किया है, जो आपको नॉर्मली जो बिगिनर लेवल के ऑडियंस रहते हैं वो अगर आप 1 by 1 वीडियो देखेंगे तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ये पूरी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आप ये भी वीडियो देख लीजिए टेक्निकल एनालिसिस के, फिर जो टेक्निकल इंडिकेटर से
इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज है, जितना भी यहाँ पे वो आप देख लीजिए दोस्तों। आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चाहिए तो ये प्लेलिस्ट देख लीजिए दोस्तों, लर्न टू अर्न, यहाँ पे एक कोर्स बनाया है मैंने, तो ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। और स्टॉक सिलेक्शन यानी जो मैंने जो अभी जो प्रीरिक्वेस्ट बता दिए कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, रिवर्सल पैटर्न, जितना भी है ये पूरे प्लेलिस्ट में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप ये प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको वो पूरा बेसिक नॉलेज आ जाएगा। बेसिक नॉलेज आने के बाद फिर आप स्टॉक सिलेक्शन वन डे बिफोर कर पाएंगे। और उसके बाद हमारे जो भी स्ट्रेटेजीज रहते हैं इंट्राडे स्ट्रेटेजीज में, जैसे कि आप हमने ये वीडियो में फर्स्ट 15 मिनट ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी कवर की, तो वो स्ट्रेटेजी पे आप वो जो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया करके जो भी आपने स्टॉक सिलेक्ट किए थे वो इस पे आप अप्लाई कर पाएंगे और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है जितना भी मुझे बोलना था आपको मैं आपको बोल चुका हूँ, तो आपको भी अच्छे अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर दोस्तों मैं बोलता हूँ कि अगर आपको मेरे आप मेरे चैनल पर आइए, जितने भी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की वो एक बार देखिए आप, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ भी मीनिंगफुल मैंने जो भी बताया है वो अगर आपको मीनिंगफुल लगता है तो ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक या शेयर कीजिए, और आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए तो वो भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, इस चैनल पर हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो खाली एजुकेशनल है, स्टडी पर्पज है, तो आप प्लीज इसे खाली एजुकेशनल या स्टडी पर्पज ही ले लीजिएगा। राइट दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।